हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन अनदर वीडियो। आज मेरे पास ये है एक्सोर का एपेक्स सीरीज का हंटर हेलमेट, जो कि वेगा का ही प्रीमियम रेंज कैटेगरी हेलमेट है, जिसको वेगा ही मैन्युफैक्चर करती है। अगर आपको भी एक प्रीमियम रेंज कैटेगरी हेलमेट चाहिए, वो भी मिड रेंज में, तो आप एक बार इस हेलमेट को कंसिडर कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इस हेलमेट के फीचर्स के बारे में बात करेंगे, तो चलिए सीधे करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। ये हेलमेट मैंने अमेजोन से मंगवाया है, जो कि मुझे 4400 में पड़ा, और अमेजोन से हमें कुछ ऐसी पैकेजिंग में आता है ये हेलमेट। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। इस बॉक्स को ओपन करने के बाद हमें इसके अंदर मिलता है एक और बॉक्स, जो कि है एक्सोर कंपनी का। तो इसमें है हमारा एक्सोर का हेलमेट। तो चलिए इस बॉक्स को ओपन करते हैं और निकालते हैं हम अपना हेलमेट। बॉक्स ओपन करते साथ ही हमें डायरेक्ट ये बैग देखने को मिलता है, जिसके अंदर है हमारा एक्सोर का हेलमेट। तो चलिए हम सबसे पहले इसको बाहर निकालते हैं। ये हेलमेट आता है इस कैरिंग बैग के साथ, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है और जिसको आप अपने बैग में टांग भी सकते हो। और ये काफ़ी थिक मटेरियल का बना हुआ है, जिससे कि इसके अंदर आपका हेलमेट काफ़ी सेफ रहेगा और हेलमेट में स्क्रैच भी नहीं आएंगे। चलिए इसको ओपन करते हैं। हेलमेट को रखते हैं साइड में और देखते हैं कि इसके अंदर हमें और क्या मिलता है। इसमें से निकलता है ये सिलिका जेल, ये इसमें आते हैं कुछ स्टिकर्स, ये है एक्सोर का स्टिकर, ये कुछ रिफ्लेक्टर टेप, और इसमें मिलता है एक ये ब्लड ग्रुप के स्टिकर्स, जो कि आप अपने हेलमेट में लगा सकते हो, और पर्सनली मुझे ये काफ़ी सही चीज़ लगी। और इसके बाद आता है इसमें एक ये छोटा सा स्पॉइलर, जो आप अपने हेलमेट के बैक में लगाओगे। इस वीडियो में आगे देखेंगे इसको अपने हेलमेट में बैक में कैसे लगाना है। इसके साथ आता है एक ये बड़ा सा वाला स्पॉइलर। तो चलिए अब बात करते हैं अपने हेलमेट के बारे में। तो ये है हमारा एक्सोर का एपेक्स सीरीज का हंटर हेलमेट, जो कि है डुअल कलर ब्लैक और रेड मैट फिनिश में। अगर सबसे पहले इसके फ्रंट लुक की बात करें, तो इसके वाइज़र पे क्लियरली मेंशन है कि ये एक एंटी स्क्रैच वाइज़र है, जो कि आता है पिन लॉक मैकेनिज्म के साथ। और ये एक ब्लूटूथ कंपैटिबल हेलमेट है, जिसमें आप अपना या तो कोई इंटरकॉम या तो कोई ब्लूटूथ डिवाइसेस इजीली लगा सकते हो। और साइड में आपको देखने को मिल जाता है एक QR कोड, जहाँ से आप इसकी वारंटी को एक्टिवेट करवा सकते हो। या तो आप इस QR कोड को स्कैन कर लो, या तो इसके कूपन कोड को इस दिए हुए मोबाइल नंबर पर सेंड करके इसकी आप वारंटी एक्टिवेट करवा सकते हो। तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं इसके वाइज़र की फिल्म को। ये एक लार्ज साइज़ का हेलमेट है, जो कि मैंने अपने हेड के अकॉर्डिंग इसको मंगवाया है। आप अपने हेड का मेज़रमेंट करके इसकी वेबसाइट से या अमेजोन से आप इस हेलमेट को मंगा सकते हो। वाइज़र की फिल्म हटाने के बाद आपको एक येलो कलर का अंदर एक और लेयर दिख रही होगी, जो कि है एंटी फॉग वाइज़र। जब भी आप विंटर या रेनी सीज़न में बाइक राइड करोगे या लॉन्ग राइड पे होगे, तो आपके सांस लेने की वजह से इसके अंदर फॉग नहीं होगी। फ्रंट में दिया हुआ है इसका एयर इनटेक, जिससे कि इस हेलमेट के अंदर वेंटिलेशन होगी और आपको सफोकेशन कम फील होगा। इस हेलमेट में देखने को मिलते हैं टोटल 3 एयर वेंट्स, एक सामने और 2 ऊपर। सामने वाले एयर इनटेक, जो कि आपके चिन पे दिया हुआ है, इसको या ऊपर और नीचे करके आप इसके फ्लैप को बंद कर सकते हो। और 2 एयर इनटेक दिए हैं इसके ऊपर साइड पे, जिसको आप स्लाइड करके ओपन या क्लोज कर सकते हो। और बात करें इसके बैक साइड की, तो बैक साइड में यहाँ पे आपको मिल जाता है इसका एयर एग्जॉस्ट सिस्टम। अगर बात करें इसके राइट साइड की, तो राइट साइड में आपको सिर्फ ग्राफिक्स हैं, और वही लेफ्ट साइड में हमें मिलता है एक ये स्लाइडर, जो कि आपके सन वाइज़र को ओपन या क्लोज करेगा। जब आप स्लाइडर को पीछे साइड करोगे, तो आपका सन वाइज़र ओपन हो जाएगा, और जब इसको आप फ्रंट में पुश करोगे, तो सन वाइज़र क्लोज हो जाएगा। जब आप इस हेलमेट को फर्स्ट टाइम हाथ में लोगे, तो आपको ये काफ़ी प्रीमियम वाली फील देगा। ये हेलमेट बाकी हेलमेट से थोड़ा सा हैवी है। इसका वेट इसके पीछे मेंशन है 1600 ग्राम। इसके बैक साइड में आपको डॉट और CE सर्टिफिकेशन देखने को मिल जाता है, जो कि यूरोप और USA सर्टिफिकेशन है। साइड में आपको इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से ISI सर्टिफिकेशन भी देखने को मिलता है।
अगर इस हेलमेट के लोअर पार्ट की बात करें तो इसके लोअर पार्ट में हमें दिया हुआ है ये डबल डीरिंग मैकेनिज्म सिस्टम, जो कि सेफ्टी स्टैंडर्ड के हिसाब से काफ़ी सेफ माना जाता है। बाकी नॉर्मल जो हेलमेट होते हैं उसमें स्ट्रैप्स लगाना काफ़ी इजी होता है, ये डीरिंग होने के कारण थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेशली तब जब आप ग्लव्स पहने हो। इस स्ट्रैप को लगाने का तरीका ऐसा है कि आप इसके स्ट्रैप को दोनों इसके दिए हुए दोनों डीरिंग से पहले एक बार निकाल लेंगे, इस वाले डीरिंग को सेपरेट करने के बाद फर्स्ट वाली डीरिंग से इसको पास कर देंगे एंड दैट्स इट। किसी भी कंडीशन पे एक्सीडेंट के दौरान ये हेलमेट इजीली ओपन नहीं होगा। ओपन करने के लिए इसको इस तरह से पुल करना है। अगर इसकी पैडिंग को देखा जाए तो इसकी पैडिंग देखने में काफ़ी थिक दिख रही है, जिसका रीज़न ये है कि ये हेलमेट आपका एकदम स्नग फिट होगा। इस हेलमेट में आपको यहाँ पे एक चिन सपोर्ट भी देखने को मिलता है और इसमें दी हुई पैडिंग को आप बाहर निकाल करके पैडिंग को वॉश भी कर सकते हो, और साइड पैडिंग को निकालने के लिए आप इसको कुछ ऐसे पुल करोगे। इस तरह से आप इसकी ये पैडिंग निकाल करके इजली वॉश करके वापस लगा सकते हैं। इसके अंदर यहाँ पे दिया हुआ है स्पीकर पॉकेट, जिसमें आप इजली कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस या इंटरकॉम लगा सकते हैं। इसमें स्पीकर पॉकेट देने का ये फ़ायदा होता है कि आपका स्पीकर इसके अंदर प्रॉपरली फिट हो जाता है, और नॉर्मल हेलमेट में आप अगर स्पीकर लगाते हो तो वो बाहर आ जाता है, जिससे कि आपके कान में हो सकता है कि थोड़ा पेन हो। तो चलिए अब इसकी लगाते हैं पैडिंग को वापस। बस इतना ही आसान है इसकी पैडिंग को निकाल करके वॉश करके वापस लगाना। तो अब देखते हैं कि इसमें दिए हुए छोटे या बड़े वाले स्पॉइलर को इस हेलमेट में कैसे लगाना है। सबसे पहले देखते हैं कि छोटा वाला स्पॉइलर इसमें कैसे लगाना है। यहाँ पे आपको दो होल दिए हुए हैं, इसमें आपको स्पॉइलर को डाल करके इसमें प्रेस कर देना है, और बड़े वाले स्पॉइलर को लगाने के बाद आपका हेलमेट का लुक भी काफ़ी चेंज हो जाएगा। उसको लगाने के लिए आपको एक होल इस साइड और एक होल इस साइड दिया हुआ है, और बड़ा वाला स्पॉइलर लगने के बाद इसका लुक कुछ ऐसा आएगा। तो चलिए पहन के देखते हैं कि इसको पहनने के बाद इस हेलमेट का लुक कैसा आता है। इसको पहनने के लिए जैसा कि मैंने बताया था कि इसकी पैडिंग काफ़ी थिक है, तो आपको ये हेलमेट काफ़ी स्नग फिट आएगा। तो इसको पहनने के लिए इसके दोनों स्ट्रैप को पकड़ के हम ऐसे आउटवर्ड की तरफ पुल करेंगे और हम इसको पहनेंगे। तो पहनने के बाद ये कुछ ऐसा लगता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले।